एक्सरसाइज दी गई है तो हम वो पढ़ते हैं। रीडिंग इज फन, यानी कि यहाँ पे हमें चार क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर हमें ढूंढना है। फर्स्ट है, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन, यानी कि जो फ्लावर्स है वो छोटे बच्चे को क्यों ज़्यादा पसंद करते थे। तो हमने यहाँ पे आगे स्टोरी में देखा कि, देखिए मैं बताती हूँ कि हमने यहाँ पे देखा कि आई लाइक टू देम ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स, यानी कि जो फ्लावर्स है वो कहते हैं कि मुझे छोटे बच्चे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो मेरी प्यासी रूट्स को पानी देते थे। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन, यानी कि जो बर्ड्स है वो छोटे बच्चे को क्यों पसंद करते थे। तो हमने आगे स्टोरी में देखा कि द बर्ड्स दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, क्योंकि वो इसीलिए छोटे बच्चे को ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो उनके लिए कभी कभी ब्रेड्स खाना भी लेकर आते थे। नेम फाइव फ्लावर्स ग्रोविंग इन द मैजिक गार्डन, यानी कि जो मैजिक गार्डन में फ्लावर्स थे उनके नाम लिखने हैं। तो हमने देखा कि सनफ्लावर्स एंड रोजेस, मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसिंस, तो ये फाइव नाम है फ्लावर्स के जो हमें मैजिक गार्डन में दिखाई देते थे। व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने क्या सुना था गार्डन में, तो उनका आंसर आएगा स्वीट सॉन्ग एंड सन बाय फेरीज, यानी कि जो परी थी वो गाना गा रही थी। फिर है टॉक टाइम, यहाँ पे रोज़ का ड्राइंग ड्रॉ किया है तो हम वो देखते हैं। आई लाइक रोजेस, मुझे रोजेस पसंद है। मोस्ट रोज आर रेड, यानी कि मोस्ट ऑफ रोजेस है वो रेड कलर के है। सम आर वाइट, यानी कि कुछ वाइट है। सम आर येल्लो, यानी कि कुछ येल्लो कलर के हैं। आर देयर ब्लू रोजेस, यानी कि यहाँ पे ब्लू रोजेस है। आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेस, यानी कि मैंने एक भी ब्लू कलर के रोजेस नहीं देखे हैं। विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर, यानी कि आपका सबसे फेवरेट फ्लावर कौन सा है। लर्न इट नेम इन इंग्लिश, यानी कि आपको उसका नाम इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा है से अ लाउड, यहाँ पे जो वर्ड्स है वो हमें लाउड करने हैं। यहाँ पे लिखा है लिटल, पीपल, पर्पल, हैप्पीली, स्लीपीली, प्राउडली, स्लीपीली, थर्स्टी, प्रीटी। फिर है टीम टाइम, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है मेक अ फ्लावर्स कैप बुक। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिखा है कलेक्ट फाइव फ्लावर्स, यानी कि हमें अलग अलग फाइव फ्लावर्स कलेक्ट करने हैं। फिर लिखा है पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक, यानी कि वो फ्लावर्स है वो हमें ओल्ड बुक में केयरफुली रखना है। प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक, लीव इट फॉर सम डेज, यानी कि कुछ दिनों तक हमें वो ओल्ड बुक है उसके ऊपर हैवी बुक्स रखनी है। स्टिक द प्रेस फ्लावर्स केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक, यानी कि हमें जो स्क्रैप बुक है उसमें वो फ्लावर स्टिक करने है। राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, यानी कि जो वो फ्लावर है उनका नेम लिखना है। फिर है वर्ल्ड बिल्डिंग, नेम टू वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन गार्डन, यानी कि हमें यहाँ पे आपने जो गार्डन में देखा वो दो वर्ड्स में लिखना है। फिर लिखा है लेट्स राइट, इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन, व्हाट वुड इट लाइक, ड्रो अ पिक्चर हियर, यानी कि आपको इमेजिन करना है कि गार्डन में क्या है और वहाँ आपने क्या देखा वो यहाँ पिक्चर में हमें ड्रॉ करना है। फिर लिखा है व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, राइट देयर सेंटेंस गिविंग
द नेम ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, यानी कि आपने गार्डन में क्या ग्रो देखा है, तो वो 3 सेंटेंस में हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।